Hi everyone, hello my beautiful viewers, good morning. You are watching Arsha's Blog and Recipes and here I am Arsha. Welcome and welcome back to my channel. तो यहाँ पे चल रहा है खतंगा नाना का काम, यानी कि वही खतंग मीन्स थ्रेड एंड थ्रेड को गाना चल रहा है. गाना चल रहा है मतलब ऐसे ना ऐसे लकड़ी के स्मूथ सा एक टुकड़ा या फिर बम्बू का एक स्मूथ सा टुकड़ा ले आ जाता है, तो उसमें थ्रेड को रैप करना होता है फोल्ड 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 सा करके. और देखिए इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं खतंग गाना, वो मैं पिछले ब्लॉग में भी बोल चुकी हूँ. तो यहाँ पे पाए बैठ कर खतंग गाना कर रहे हैं और मैं उसके साथ बातें कर रही हूँ, इधर उधर की बातें. एंड फिर अभी मैं थोड़ा उठ के यहाँ से चली आई हूँ इस तरफ, क्योंकि इधर का काम भी देखना है मुझे, सिर्फ बातचीत गप्पे लड़ाने से नहीं चलेगा, है ना. वही आज धूप काफ़ी ज़्यादा ही निकला है, तो क्यों ना ब्लैंकेट को सनलाइट में दिया जाए. तो पहले काम देख कर आती हूँ, फिर ब्लैंकेट को सनलाइट में देना होगा. और उस जो घर है, ये घर बहुत ही अहमियत रखता है मेरे लिए. ये काकी मोनी एंड काका के घर है, यानी दी बाई के घर, गांव वाले घर. तो जब मैं पहली बार दुल्हन बन के आई थी, तो इसी घर में मुझे स्वागत किया गया था. मतलब ये घर मुझे बहुत ही फेवरेट है, इसमें मेरी जो अच्छी अच्छी मेमोरीज है वो जुड़ा हुआ है ना, तो इसी वजह से. तो फिर अभी जब भी आते हैं इसी घर में सोते हैं, हाँ उनको भी पसंद है शायद ये वाला घर, है ना. तो इसी वजह से यहाँ वो शांति से अकेले सोते. तो वो तो चले गए सिटी, तो वहाँ ब्लैंकेट रखे गए, तो उसी ब्लैंकेट को मैं ले आई हूँ. अभी इसको सनलाइट में दूंगी और फिर ये गर्माहट गर्माहट ये आज मैं ओढ़ने वाली हूँ जब जब सोऊंगी ना रात में. अभी क्यों ओढ़ूँ मैं, जब रात को सोऊंगी तो ऐसे सनलाइट का जो एक वो स्मेल होता है ना, वो तो अच्छा लगता है कपड़ों पे, है ना. जब इसको मैं ओढ़ के रात को सोऊंगी, कितना अच्छा नींद आएगा, है ना. तो मुझसे हो नहीं पा रहा है ये देख कर ना छोटी काकी दौड़ कर चली आई घर के अंदर से, मुझे ही नोटिस कर रहे थे. तो वो छोटी काकी दौड़ कर आए और अभी मेरी मदद करने में लग पड़े हैं. हाँ फिर मेरे को बोले जाओ जाओ तुमसे नहीं हो पाएगा. फिर देखिए छोटी का के पीछे अभी सही कर रहे हैं वो जो ब्लैंकेट है, मुझसे हो पाता लेकिन काकी मुनी को मतलब काकी छोटी काकी को क्यों लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना. हाँ प्यार करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा. अच्छा लगता है अपनों का प्यार पाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. कोई बस्ता काकू 50 बाबा न आं से हाबो ग्रुजालाम रयो सो आज बाइकोतर आए थे, अभी तो चले गए. तो उनके लिए मैं सुबह ही लंच बना के रख दिए थे, लेकिन वो लंच करने के लिए टाइम से आए नहीं, लेट से आए, इवनिंग पे आके पहुँचे यहाँ पे. क्योंकि वो जो बड़े भैया है, बड़े भैया के वहाँ पे पहले चले गए, फिर वहाँ थोड़ा रुके एंड वहाँ से होकर बड़ी भाभी के साथ यहाँ पे आए बड़ी दीदी, तो थोड़ा लेट ही हो गए. तो वो लोग तो अभी चले गए हैं, तो मैं घर इस अंधेरे में आकर क्या कर रही हूँ. जो नया घर बन रहा है ना, वहाँ पर मैं थोड़ा देखने आई थी कि जो काम करते हैं ना नए घर का, तो वो उन लोगों ने मोटर ऑन किया है कि नहीं, क्योंकि ये जो मिट्टी है इसको पानी खिलाना बहुत ही ज़रूरी है. तो इस वजह से मैं चेक करने आई थी, काफ़ी ठंड है बाहर और फिर अभी तक मोटर ऑन नहीं किया गया. तो मैं अभी बोल दूँगी कि मोटर ऑन कर दे एंड टाइम से ऑफ़ भी कर दे, लेकिन जब भी टाइम होगा ऑफ़ करने का तब मेरे को ही फिर से आकर देखना होगा. यही सारी चीज़ें चलता है. मोटर ऑन कर दो ना, कारण ना बंद हो जाएगा, बोर्ड भालो ना ओ एलेगा दीता सुना